स्कूल टाइम की कैसे कैसे रही आपका यहाँ स्कूल का वक्त यहाँ टाइम कहाँ बनता था मुर्गा मुर्गी क्यों बनते थे आप? गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? तो आज आए हम गाड़ोचंड बाजार घूमने और आज बहुत दिन बाद यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है तो आज हम दिखाएंगे आपको आज गाड़ोचंड मार्केट और किस तरह से यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरह के यहाँ पे लोग हैं, क्या कल्चर है, सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हम है गाड़ोचंड मार्केट में, आप देख सकते हैं बहुत से लोग आए क्योंकि यहाँ पे गाड़ोचंड मेला भी चला है साथ में। और ये है गाड़ोचंड का बस स्टैंड और साथ में यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी है क्योंकि यहाँ पे टैक्सी खड़ी कर लेते हैं साथ में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नज़ारा है, आजकल कुछ शॉप भी लगी है आसपास। स्कूल में होते थे तो यहाँ पर दिन भर हम मैचेस खेलते थे और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आप नदी भी है और यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का स्थान है तो इस ग्राउंड का नाम मार्कंडेय स्टेडियम रखा गया है। और साथ में आप देख सकते हैं अलवा गाँव का व्यू और ये टॉप, ये मेरा ऊपर टॉप में मेरा गाँव है और साथ में यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट भी है तो यहाँ पर रुकते हैं लोग। अभी मैं जालपा माता के मंदिर के पास हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का नज़ारा। और साथ में आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे स्कूल का कैंपस मंदिर के साथ ही है और साथ में अब कॉलेज का कैंपस भी यहीं पे है। और यहाँ पे मैं 6 से लेके प्लस 2 तक पढ़ाऊँ और मैं और यशपाल साथ में ही पढ़े हैं, ये मेरा सीनियर था एक क्लास और बहुत ही मज़े किए हमने स्कूल टाइम और बहुत गेम्स खेलते थे हम, वॉलीबॉल खेलते और क्रिकेट के तो हम बहुत ही ये थे, मतलब दिन भर हम ग्राउंड में होते थे 360 मतलब दिन भर क्रिकेट के पीछे, हम चाहे क्लास बंक करनी हो तो हम क्रिकेट के पीछे क्लास बंक भी कर लेते थे स्कूल छोड़ के आते थे क्रिकेट खेलने स्पेशली। यहाँ पे हमने काफ़ी मज़ा लिया है स्कूल में, जब हमारा बचपन, तो अभी तो थोड़े बहुत बड़े हो गए लेकिन बचपन की याद थोड़ी सी आ रही है। और हम लोगों ने जब पहले ही तो यहाँ पर कच्ची बिल्डिंग थी और बहुत मज़ा आता था यहाँ पे और काफ़ी इंजॉय लिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे ये लोग खेल रहे ना, यहाँ पे दिन भर हम वॉलीबॉल खेलते थे, मैं वॉलीबॉल का प्लेयर था, यशपाल तो क्रिकेट का प्लेयर था, हम दोनों क्रिकेट खेलते थे, मैं ऑलराउंड था और वॉलीबॉल यहाँ खेलते थे हम। और महेंद्र भाई भी यहीं पढ़े हैं स्कूल में ना? हाँ जी, हाँ जी। आपकी भी यादें होगी बहुत सारी यहाँ पे स्कूल टाइम की? घर से आते थे सबसे पहले, देखो यहाँ पे हमारा माता टेकते थे हमें सुबह, सबसे पहले माता का दर्शन होते थे, उसके बाद बाकी टीचरों के दर्शन होते थे और काफी मजा लेते थे। और हमारे से आगे हमारे सीनियर महेंद्र भाई पढ़े, थोड़ा सा इनसे भी डिस्कशन कर लो यार। आप भी क्रिकेट खेलते थे कुछ टाइम? खेलते थे हम। और क्या क्या करते थे स्कूल टाइम, क्या मस्तियाँ की है? हम लोग भागते नहीं थे स्कूल, भागते थे, बंक नहीं करते, क्रिकेट के चक्कर में हम बंक मारते थे, वैसे हम कभी बंक नहीं किया हमने, बाकी हम कोई भी नशा नहीं करते थे उस टाइम, बिल्कुल अच्छे एक आइडल बॉयज की तरह, मतलब इस तरह से हमारा जो बॉडी थी ना थोड़े फिट थे, मैं तो अभी वही फिट हूं, मैं तो अभी फिट हूं। आपकी कुछ यादें स्कूल टाइम की कैसे कैसे रही आपका यहाँ स्कूल का वक्त यहाँ टाइम कहाँ बनता था मुर्गा, मुर्गी क्यों बनते थे आप, ऐसा क्या था? स्कूल का काम ही नहीं करते थे, पापा ही था ना, ये तो फॉरगॉटन है, मोबाइल बहुत खराब था। नहीं, आप तो मीटर थे मेरे खासे 10th में, बिल्कुल आप भी थे मीटर, कहाँ गए आप? मैं तो यहाँ 6th से लेकर प्लस 2 मीटर, 10th में मैं भी था मीटर और आप भी थे, हो गए ना प्लस 2। ये था स्कूल टाइम के हमारे यादें। और अभी आजकल यहाँ पे मेला भी चला है, गाड़ोचंड मेला चला है और पहले इस ग्राउंड में गाड़ोचंड मेला होता था लेकिन अब यहाँ से जो गाड़ोचंड मेला होता है शिफ्ट कर दिया है ऊपर, एक और यहाँ पे ग्राउंड है वहाँ के लिए शिफ्ट कर दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ोचंड मेला होता है, जैसे कि हमने बताया कि वहाँ से गाड़ोचंड मेला शिफ्ट हो गया तो इस ग्राउंड में गाड़ोचंड मेला शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी शॉप्स लगी हैं, आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है बहुत दिन बाद, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती थी तो मौसम अच्छा है तो इस वजह से लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ग्राउंड का नज़ारा और यहाँ पे बच्चों के खेलने के आइटम्स भी है और बहुत सारे पकवान बने हैं, लोकल डिशेज बनी है, सिड्डू बने, चाउमीन बने, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कपड़े भी खरीद सकते हैं आप, शॉपिंग के बहुत सारे आइटम्स आए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस अभी हमने आपको जालपा माता का मंदिर दिखाया और स्कूल का कैंपस गया है और अब हम आपको गाड़ोचंड मार्केट दिखाने जा रहे हैं। तो गाइज अभी हमने आपको गाड़ोचंड बस स्टैंड दिखाया और उसके बाद हम जा रहे हैं अब भवासी महादेव के मंदिर। अभी 7 तारीख को मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, 7 जुलाई को प्रतिष्ठा हुई थी, उस टाइम हम ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि सब लोग उस टाइम बिजी थे, काम में बिजी थे, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे, लगभग 15,000 लोग आए थे ना। तो अभी हम मंदिर जाए,
और आप देख सकते हैं खूबसूरत दृश्य गाड़ागुशैनी का। और यहाँ पे अब होम स्टे भी बन रहे हैं, बहुत सारे होम स्टे बना दिए लोगों ने, शिवा वैली यहाँ पे होम स्टे। तो यहाँ थोड़ी दूरी पे यहाँ पे मंदिर है भीमासी महादेव का, अभी हम वहीं जा रहे हैं मंदिर। और आप देख सकते हैं प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे। बाकी ये जो दृश्य है कुल्लू का है, अभी हम फिलहाल मंडी वाले रोड में। तो फाइनली गाइज हम पहुँच गए भीमासी महादेव के मंदिर में। यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर ही जाएंगे गाइज। अभी हम पहुँच गए भीमासी महादेव के मंदिर में। अभी नया मंदिर बनाया, इससे पहले यहाँ पे मंदिर था देवता का, और उसके बाद फिर नया मंदिर बनाया था, यहाँ पे प्रतिष्ठा हो चुकी है मंदिर की। तो गाइज आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भीमासी महादेव का नया मंदिर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत दृश्य मंदिर का, और अंदर से आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से मंदिर बनाया है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे मंदिर के बाहर यहाँ पे देवदार का पेड़ भी है, और यहाँ भी देवता का स्थान है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम मंदिर में अंदर जाते हैं। पुजारी वीर मैंने दिया दिया सारे गुरु रे सब जा गुरु मैं जगाए। तो गाइस अभी हम मंदिर के अंदर है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती कलाकृति की है मंदिर में। तो गाइस अभी हम भीमासी महादेव के मंदिर के अंदर आए, और अभी हमने यहाँ पे माथा टेका और बहुत ही शांति यहाँ महसूस हुई। भगवान के पास आए हम, और बहुत टाइम बाद मैं आया यहाँ मंदिर में। जो मंदिर अभी नया बना है, मैं पहली बार आया हूँ मंदिर में, और मेरे दोस्त लोग मेरे साथ आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलाकृति बहुत ही खूबसूरत की है यहाँ पे। और इस मंदिर को लगभग 9 महीने लगे बनाने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम बैठे और यहाँ पे गर्भगृह भी है अंदर। तो कितना टाइम लगा था मंदिर बनाने में? मंदिर बनाने में 9 महीने लगे हैं, 9 महीने में तैयार किया है। और ये जो कितने ज़्यादा लकड़ लगे हैं यहाँ पे तैयार के ही है, तो इनको लाने में बहुत ही लोगों ने मेहनत की है। उस टाइम तो मैं भी था जब हम ला रहे थे ना, हमने पीठ में उठा के लाए थे, मतलब 200 बंदे उसमें, तो दो सौ बंदे एक पेड़ों में उठा के लाए थे उस टाइम ना, बड़ी मेहनत लगी थी। तो देखो यहाँ दिख रहा है आप जी, बिल्कुल पेड़ जैसे पेड़ उठा के लाए हम, इतना बड़ा बड़ा लाया था। और आज हमारा मंदिर बन गया, तैयार हो गया, तैयार है, और बड़ी खुशी है हमको। इसमें आप देखिए कि भाई कई प्रकार की आकृति और कई प्रकार का ये डिज़ाइन निकाला है, काफ़ी अच्छा मंदिर बना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मतलब इस बंजार से लेकर यहाँ हमारे गाड़ा जो इधर सबसे बड़ा बड़ा और इतना अच्छा मंदिर बना है, और इतना अच्छा मंदिर बाकी जगह तो अभी आपको दिखा दी। आपने कितने मेहनत की मंदिर बनाने में? आप भी आते थे काम करने में? तो वैसे कंटिन्यू ही थे बीच में, एक से दूसरा। अच्छा, क्या क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा सीख किया। और क्या कह रहा? और तो बढ़िया है सब कुछ। यहाँ की निकासी देख सकते हैं आप, ये है महादेव बाजारी, और जो ये पीछे आपके पीछे लगा हुआ है ये शंभू बैठे हैं, जो गर्भगृह में या किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है, ना जा भी सकते हैं, कोई भी नहीं यहाँ पे जा सकता, अंदर जाना मना है, कोई भी नहीं जा सकता। और बस कोई बंदा रिस्क लेता है तो उसके लिए फिर सिर्फ यहाँ पे पुजारी जा सकता, कोई देवता के जो कार्यवाही जा सकता है, बाकी लोग अंदर नहीं जा सकते। जाने की कोशिश करता तो उसके लिए अपशगुन होता है, और ऐसे भी खुलता नहीं है क्योंकि जब देवते का काम ही होता है तभी खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता है। तो ये है गाइज देवते का मंदिर, और अब हम थोड़ा बाहर को बाहर क्या डिजाइन किए, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किए। और ये जो डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे कंप्यूटर से बनाए हैं ना, कंप्यूटर से बनाए डिजाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाए यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि भीमासी महादेव का जो मेन जो कोठी है वो अलवा गांव में है, और गाड़ागुशैनी में इसका मेन मंदिर है।
और यहाँ पे देख सकते हैं साथ में खूबसूरत सी वादियाँ गाड़ा हुसैन की। और अगर आप मंदिर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यहाँ पे भगवान की दर्शन कर सकते हैं आप। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वासी महादेव, जब मंदिर निर्माण हुआ था उस टाइम ये लोगों ने यहाँ पे भेंट किया था ये शिवलिंग, जिसका वेट करीबन 2.5 क्विंटल है और ये इस मूर्ति का वेट भी लगभग 3 क्विंटल के आसपास है। दोनों स्टोन की बने हुए हैं महादेव भवासी का मंदिर। ये है प्रभु के पहरेदार जो बाहर के देवता, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे दो वृक्ष बड़े बड़े हैं जो बड़े पहले से पूर्वजों के टाइम से कोई इनका रहस्य नहीं जानता है। दोनों तरफ मंदिर के निचले साइड भी और ये ऊपरी साइड भी, और ये है प्रभु का मंदिर।